मैं बैठ गया हूँ। अब आज मैं मसूरी में हूँ, आज मैं दिन की शुरुआत कर रहा हूँ अपनी एक्सरसाइज से। घूमने आया हुआ था तो लोग कहते हैं भाई क्या एक्सरसाइज करे, तो आज मैं दिखाता हूँ आपको आप ट्रेवल के दौरान कितनी अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हो। आज अब सुबह सुबह हम यहाँ आ गए दलाई हिल्स की ओर जा रहे हैं ट्रैकिंग करते हुए, ऐसे ट्रैक करते हुए आ रहे हैं नीचे से, और यहाँ से बहुत दूर दूर तक के व्यूज़ हैं। अब हम आ चुके हैं दलाई हिल्स, अब हम यहाँ वर्कआउट करेंगे, आपको दिखाएंगे आप ट्रैवल के दौरान भी अच्छा खासा वर्कआउट कर सकते हो। जैसे हम पहाड़ों में आए हुए हैं तो हम यहाँ ट्रैकिंग कर सकते हैं, छोटी मोटी रनिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, थोड़ा योगा कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वर्कआउट दिखाऊंगा, ये आप अप्लाई कर सकते हैं, उसे फॉलो भी कर सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठे और ट्रैक के लिए निकल जाए तो आप आसपास की चीज़ भी देख लोगे और अपनी फिटनेस का भी ध्यान रख लोगे। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है, अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज़ करना हर जगह, ये अच्छी बात है। अभी यहाँ पर आपको मैं वर्कआउट दिखाता हूँ कैसा कैसा। I like this. मसूरी एक ऐसी जगह है, अगर यहाँ आप आते हैं तो आप दो दिन की आइटनरी बना सकते हैं। पहले दिन का मैंने व्लॉग बनाया है, मैं उसमें आप देखें। सेकंड डे हम यहाँ आए हुए हैं, मैं आपको पूरा बताऊंगा हम कहाँ कहाँ विजिट करने वाले हैं। सबसे पहले हम जाने वाले हैं लैंडोर हाउस, लैंडोर बेक्स, फिर चार दुकान, फिर लाल टिब्बा, और उसके बाद उत्तराखंड का एक फेमस यहाँ पर खाना मिलता है, हम वहाँ जाएंगे। और आप गन हिल भी जा सकते हैं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ देखो मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, हमेशा प्लीजेंट मौसम रहता है यहाँ पर ना, आप किसी भी सीज़न में आए सब जगह आपको अच्छा ही मिलेगा। बस वीकेंड आपको थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है अगर रस में नहीं आना है, और बहुत अच्छा मौसम रहता है यहाँ पर। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल्स हैं, बच्चों के यहाँ पर पढ़ते हैं सुबह सुबह। गुड टाइम पर में हम सुबह सुबह आए हुए हैं, हमने वर्कआउट कराया अभी अपना, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और नीचे भी जाके प्रोटीन लूँगा मैं, फिर उसके बाद अपना नाश्ता करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या है। चलो मेरे साथ आप घूमो आज। गुड मॉर्निंग गाइस, अब मसूरी का दूसरा दिन है हमारा, और सुबह वर्कआउट करा था अब हमने, और अब हम आ चुके हैं ये लैंडोर की साइड। तो ये जो पीछे देख रहे हैं चार दुकान है, यहाँ पर पैनकेक्स मशहूर है, अभी खुलने वाली दुकान। ये पीछे सेंट पॉल, ये पीछे जो देख रहे हैं सेंट पॉल चर्च है, अब हम यहाँ विजिट करेंगे, और बहुत अच्छा माहौल है। अभी देखते हैं, शॉप ओपन होने लग रही है, अभी 9 बज गए हैं, अभी देखते हैं अगर हम कुछ यहाँ खाएंगे और जो भी होगा आपको दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पर। चलिए फेमस दुकान, चार दुकान है, 1910 से अंकल खोल रहे हैं। सो अभी आपके यहाँ पे जी सर कभी तो मैं सीवी करूँ, मैं से तो अभी आया था शायद कुछ दिन पहले। नहीं हो गया भैया, साल भर तो मान लो अभी बिल्कुल रिसेंट आए थे पंकज त्रिपाठी। पिक्चर की शूटिंग चल रही है वैसे ही? नहीं नहीं, उनका बच्चा यहाँ आया है ना। अच्छा, स्कूल में लोग ये खाने आते हैं, पैनकेक्स हैं। कब से है आपकी दुकान? सर पैदा ही हूँ मैं वैसे, मुझे पता वैसे। हम भी तो मुझे फोन करते ही, कहाँ से हो? हम ये भोपाल रोड पे इवान हॉस्पिटल है। हाँ है, उसके पीछे किरण सिटी। अच्छा, बढ़िया टेस्ट में एकदम। हमने मंगाया बनाना और चॉकलेट वाला, एक बार तो आप ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया है, और भी फ्लेवर है, आज ही खाते हैं, बस हैवी हो जाएगा वरना बहुत ज़्यादा। जब हम आए हुए हैं लैंडोर बेक हाउस, और यहाँ आपको दिखाएंगे क्या क्या है अच्छा खाने का, बहुत से लोग तारीफ़ करते हैं यहाँ की। ये फेमस है बेक्स के लिए, मतलब बेकरी है, पहले ज़माने में मतलब यहाँ स्टार्टिंग हुई थी मसूरी में, तब यहाँ बेकरी मतलब बेक करना सिखाया जाता था, तब से ही इस्टेब्लिश है यहाँ पर। इसमें विजिट करते हैं और
देखते हैं इसमें क्या अच्छा मिलेगा खाने के लिए। यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं ये चीज़, और भी केक्स वगैरह हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। जो पीछे क्लोंग मेमोरियल चर्च, ये आपने कई मूवी में भी देखा होगा, शूटिंग होती रहती है यहाँ पर काफ़ी। ये देखिए इस समय हम आ चुके हैं लाल टिब्बा पे, ये हमारा लाल टिब्बा है पीछे। ये दो जो पॉइंट है यहाँ पे, दो ऐसे टेरेस बने हुए हैं, इस पर चढ़ के आपको एक टेलीस्कोप मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पार्किंग भी स्टार्ट हो गई है 50 रुपये की, पहले कुछ नहीं था, अब यहाँ अब हर जगह पार्किंग पार्किंग में पैसे दो, पता नहीं खासा सिस्टम बना दिया। ये देखिए ये है यहाँ, ये दो हैं यहाँ पर, एक ये है एक ये है। और यहाँ से व्यूज़ दिखाते हैं ऊपर टेलीस्कोप से, ये बद्रीनाथ केदारनाथ हिमालय रेंज सारी दिखाती है यहाँ से, यहाँ से जब मौसम साफ़ होता है तो बहुत दूर तक का दिखता है। अभी तो गर्मी है, थोड़ी सी बादल लड़ जाते हैं दिखता नहीं, वरना बहुत दूर तक का दिखता है यहाँ से। ये कैफ़े है पीछे, एक ये था एक ही था। अगर आपको इसके ऊपर जाना है तो मतलब यहाँ पर कुछ आप ऑर्डर कर सकते हैं, लाइक मोमोज कॉफ़ी वगैरह 100 रुपीज़ का, फिर आप ऊपर जा सकते हैं। इसका एक मतलब टिकट मान लो, चार्ज मान लो, वही है ऊपर जाने का। यहाँ से आपको ये रेंज दिखाई देती है हिमालयन की बहुत सारी, और सेम व्यूज़ आपको यहाँ से भी खड़े खड़े भी दिख जाएगा जहाँ मैं खड़ा हूँ। मतलब अगर आप आ रहे हो मसूरी तो आप ये आ सकते हो। हम जस्ट अभी खा के आए तो हमें खाने का मन नहीं है, अब यहाँ बैठ गए हैं थोड़ी देर, चिल कर रहे हैं, आधा घंटा बैठेंगे, मौसम देखेंगे, हिमालय देखेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे ये रही प्राइवेट प्रॉपर्टी कपूर्स की है, 1939 से। यहाँ बहुत सारी रील भी बनाई हैं, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फिट विद ऋषभ पे या ऋषभ MTV, दोनों मेरी आईडी हैं। ऋषभ MTV पे मैं डालता हूँ नेचर का, और फिट विद ऋषभ पे डालता हूँ मैं फिटनेस का, तो आप मुझे दोनों जगह फॉलो करें। तो जब भी आप लैंड रोवर की तरफ आए, ये लाल टिब्बा का रास्ता है, तो आप यहाँ वॉक कर सकते हो, सुबह सबसे अच्छा है। देखो व्यूज़ कितने अच्छे हैं यहाँ से, आप व्यूज़ इन्जॉय कर सकते हो। तो ये भी यहाँ की स्पेशलिटी है कि आप यहाँ पर आके वॉक करें, ग्रीनरी का मज़ा लें, ये खुद में नेचर आपको खुद हील करता है। ये भी बहुत अच्छा है अगर आप यहाँ सुबह वॉक करें आके। हम सुबह घूम आए थे, हम यहाँ भी घूम लिया अभी काफ़ी, अभी घूमते भी हैं, अभी हम घूम रहे थे यहाँ पर ऐसे, तो सोचा वीडियो बता दूँ आपको, आप भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये पीछे डोमा कैफ़े, आप यहाँ भी आ सकते हो, काफ़ी लोग यहाँ भी आते हैं इन्जॉय करने, बहुत अच्छा व्यूज़ है यहाँ से भी। यहाँ से पूरी मसूरी का 360 व्यू आ रहा है, पूरा एरियल व्यू। तो हम बढ़ चुके थे आगे, उत्तराखंड की फेमस दुकान है यहाँ पर हापुड़ वालों की, यहाँ पर हम आए, लेकिन हमें भूख नहीं थी, लेकिन हमने जब भी एक समोसा ले लिया, क्योंकि पैनकेक खाने के बाद बहुत हैवी हो चुका था। हम यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, घंटाघर से होते हुए हम पहुँच जाते हैं भट्टा फोल, यहाँ से 1.5 किलोमीटर नीचे है भट्टा फोल, ये रहा यहाँ पर। आप चाहे तो ऊपर से टिकट लेके ट्रॉली के थ्रू भी नीचे जा सकते हैं, वहाँ एक तरह का पार्क है, वाटर पार्क। फिर हम बढ़ते हैं आगे मंदिर की ओर।